नमस्कार। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। और ये जो लेक्चर है, इसका जो दूसरा जो शीर्षक है, तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हो, डोमिनेंस रिलेशनशिप्स ऑफ एबीओ एलील्स। तो ये दूसरा शीर्षक है। और जो जेनेटिक जो कोर्स जो है, इसमें जो अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं जेनेटिक कोर्स में, तो उसके बारे में भी मैं इस लेक्चर के अंत भाग में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है इसकी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अब देखिए, देखिए, मोर देन वन पैटर्न ऑफ डोमिनेंस बिटवीन द एलील ऑफ अ जीन कैन अकर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब जनरली हमने देखा है कि एलील के बीच में हम देखते हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप देखते हैं, एक डोमिनेंट हो गया दूसरा रिसेसिव। लेकिन ऐसा जो रिलेशन है, ये हर बार ऐसा नहीं होता कि एक एलील जो है डोमिनेंट है, दूसरा जो है रिसेसिव है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिसमें डोमिनेंट रिसेसिव के अलावा दूसरे भी रिलेशनशिप जो हैं एलील के बीच में देखे जाते हैं। अब देखिए, हियर वी एग्जामिन द कोडोमिनेंस ऑफ टू एलील। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो दो एलील के बीच में कोडोमिनेंस देखेंगे, एंड द रिसेसिवनेस ऑफ अ थर्ड एलील ऑफ द जीन डिटरमाइनिंग ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप। अब देखिए, इंसानों का जो एबीओ ब्लड टाइप है ना, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है इंसानों में, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है ना, तो वो जीन के दो एलील के बीच में हम क्या देखेंगे, उस जीन के एबीओ जो ब्लड टाइप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन, और उस जीन के दो एलील के बीच में हम देखेंगे कोडोमिनेंस, और तीसरा जो एलील है वो हम क्या देखेंगे, वो एलील रिसेसिव रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ऑल ऑफ अस हैव वन ऑफ द फोर कॉमन ब्लड टाइप, ठीक है। इंसानों की अगर बात करें, है ना, मनुष्य जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, तो हम सभी इंसानों में क्या होता है, चार सामान्य रूप से चार जो ब्लड ग्रुप हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं ब्लड टाइप, टाइप ओ होता है, फिर टाइप ए होता है ना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का टाइप ए है, फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, और कुछ व्यक्ति जो हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होता है। और ये जो चार जो ब्लड टाइप हैं, या तो चार जो ब्लड ग्रुप हैं, दैट रिजल्ट फ्रॉम अवर जीनोटाइप एट द एबीओ ब्लड ग्रुप जीन, ठीक है। ये जो चार ब्लड ग्रुप हैं, इनका जो अलग अलग चार ब्लड ग्रुप हैं, इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या होता है, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है, और ये जीन का जीन से जो हमारा जीनोटाइप बनता है, उस हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप होता है। और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो जीन है वो कहाँ पे मौजूद होता है, है ना, कौन से क्रोमोसोम पे है, तो देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर जो 9 है, वहाँ पे ये जीन जो है वो लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। और उस जीन को क्या कहते हैं, तो उस जीन को कहते हैं ओमिम 110300। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एबीओ जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, इसमें जो तीन जो एलील हैं, एबीओ जीन के जो तीन एलील हैं वो कौन से हैं, तो वो जो तीन एलील हैं ब्लड ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो तीन एलील हैं एबीओ जीन के, वो है आई ए, आई बी और स्मॉल आई, एंड द फोर ब्लड ग्रुप, ठीक है, आर फिनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय 6 जीनोटाइप। चार जो ब्लड ग्रुप हैं ए बी, ए बी और ओ, तो ये चार जो ब्लड ग्रुप हैं, ये क्या है, ये चार ब्लड ग्रुप जो है इनको हम फिनोटाइप कह सकते हैं। और ये जो फिनोटाइप है, ये जो चार ब्लड ग्रुप हैं, उनका जो उद्भव होता है, उनकी जो उत्पत्ति होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितने जीनोटाइप होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं चार ब्लड ग्रुप के लिए,
चलिए अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप के आधार पे जो ब्लड टाइप है यानी कि जो ब्लड ग्रुप है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप जो कोरिलेशन है, जीनेटिसिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट आईए एंड आईबी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर आई। ठीक है, जो यहाँ पे जो लिखा है स्मॉल आई जो एलील है, तो उसके ऊपर ये आई ए और आई बी जो है एलील, वो कैसे होते हैं, कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं, और दैट आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट, और आई ए और आई बी जो है वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, वो एक दूसरे से को डोमिनेंट होते हैं। चलिए अब The complete dominance of IA and IB to I is indicated by the identification of blood type A in individual whose genotype अब देखिए, जो IA और IB जो है, IA IB जो है वो जो small i जो है, ठीक है, उस पे dominant है, इस बात का हमको पता कैसे चलता है? तो देखिए, कोई जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, तो वो ए वाला जो व्यक्ति है वो या तो होमोजाइगस होगा आईए आईए, या तो हिट्रोजाइगस होगा, है ना, तो आई ए आईए और या तो आईए और स्मॉल आई। तो ये व्यक्ति जो है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो जीनोटाइप है ये होता है आईए आईए या तो आईए स्मॉल आई, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है तो उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, तो उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप है वो होता है आईबी आईबी या तो फिर आईबी और स्मॉल आई। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हमको बात जो है वो कैसे पता चली, यहाँ पे आईए आईए और आईबी जो है वो आई पे डोमिनेंट है, ये बात हमको कैसे पता चलती है, तो जब आप देखेंगे कि जब हिट्रोजाइगस परिस्थिति होती है ना, तो हिट्रोजाइगस परिस्थिति में आप देखिए आईए के साथ में स्मॉल आई या तो आईबी के साथ में स्मॉल आई आता है, तो उस टाइम पे ए और बी ब्लड ग्रुप होते हैं हिट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उससे पता चलता है कि आईए और आईबी जो है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। चलिए अब, और The completely recessive nature of the small i allele is confirmed by the observation that only ii homozygote have blood type O. और ये वाला जो allele है, small i जो allele है, वो small i allele जो है वो completely recessive रहता है, वो completely recessive होता है। ये बात हमें कैसे पता चलती है, तो देखिए, जब small i जो genotype होता है homozygous condition में, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा रहता है, तो वो ब्लड ग्रुप होता है, उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो होता है आई, है ना, अरे वो होता है ओ। देखिए, तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो लिखा है, देखिए, द कंप्लीट रिसेसिव नेचर ऑफ आई एलील स्मॉल आई एलील वो कैसे पता चलता है, जब हम देखते हैं कि भाई होमोजाइगस जो परिस्थिति है आई आई, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या मिलता है, वो होता है ओ, और आखिर में लास्टली, आखिर में हम देखेंगे तो लास्टली को डोमिनेंस ऑफ आई ए आई बी, है ना, आखिर में हम क्या बात कर रहे हैं, को डोमिनेंस ऑफ आई ए आई बी टू वन अनदर, आई ए और आई बी जो है वो को डोमिनेंट है, वो कैसे पता चलता है एक दूसरे से, ये को डोमिनेंस है आई ए और आई बी, ये पता हम कैसे करेंगे, तो कंफर्म बाय द ऑब्जर्वेशन दैट ब्लड टाइप ए बी अकर्स ओनली इन इंडिविजुअल हु हैव हिट्रोजाइगस जीनोटाइप आई ए आई बी। तो ऐसे व्यक्ति के जो हिट्रोजाइगस होते हैं, एक एलील आई ए, दूसरा जो है वो आई बी, तो इस परिस्थिति में हिट्रोजाइगस कंडीशन जो है जीनोटाइप की, उस परिस्थिति में व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, वो होता है ए ए बी, है ना, इस परिस्थिति में व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है, तो आई ए आई बी, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। चले अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे दूसरा भी इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप जो है मल्टीपल एलील जो है इसके बारे में भी आप जो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल एलील के बारे में जो, हट,
मल्टीपल एलील के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस तरह से ये मल्टीपल एलील के बारे में, मल्टीपल एलील क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मल्टीपल एलील के बारे में है यहाँ पे, अब देखिए ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ये इंसानों में एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसने ढूंढा था, तो कार्ल लैंडस्टीनर है ना, इन दी अर्ली 1900 है ना, 1900 के साल की शुरुआत में जो कार्ल लैंडस्टीनर जो है जेनेटिसिस्ट, उन्होंने ये ढूंढा था। फिर दूसरा जो होता है एमएन ब्लड ग्रुप जो है वो भी होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कहाँ पे ये जो जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। फिर ये जो है इसके बारे में आगे जो लेक्चर आ रहा है उसमें मैं आपको ये सारी जो बातें हैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ है ना। कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, किस व्यक्ति को ब्लड जो है वो दे सकता है, तो ये सारी जो बातें हैं वो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम करेंगे। फिर यहाँ पे भी ये जो है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आपको टेबल बताया है, जीनोटाइप बताया, फिर जो आरबीसी है उस पर एंटीजन बताया कौन सा एंटीजन होता है, फिर फिनोटाइप क्या है वो आपको, जीनोटाइप फिनोटाइप है ना, और जो एंटीजन है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है इस टेबल में। अलग अलग बुक में से इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें से आप ये जो टॉपिक है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो आइडिया है ये देखिए, आपको ये जो है इसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा, पॉसिबल एलील इन गैमेट्स फ्रॉम फादर है ना, फादर का जो गैमेट है उसमें एलील, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मदर का जो गैमेट है उसमें एलील, और किस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप जो है वो बनते हैं तो वो आपको बताया इस टेबल में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये भी एक टेबल आप देख लीजिए, ब्लड टाइप ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड टाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारी जो बातें हैं हम आगे डिटेल में करेंगे। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है ना, क्लम्पिंग क्या होता है, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को दे सकता है, ये सारी जो बातें हैं हम करेंगे आगे लेक्चर में। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे भी आप ये जो है कोडोमिनेंस के बारे में भी यहाँ पे आप जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। पूरा जो है उसका जो हिस्ट्री है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो वो भी आप देख सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया।
यहाँ पे भी एक टेबल है आपको। ये जो बातें हैं हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तो आपको जो आइडिया है वो आने लगेगा, क्योंकि ये जो है ब्लड ग्रुप पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले लेक्चर में ये सारी जो बातें हैं हम डिटेल में कर रहे हैं, है ना। ट्रांसफ्यूजन में इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे भी आप जो मल्टीपल एलील जो है उसके बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हो आप। देखिए ये जो है इसमें भी आपको आरबीसी बताया है, तो इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा, है ना, एंटीजन के बारे में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, देखिए फिर सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारी जो बातें हैं हम करेंगे आगे। एंटीजन ए क्या होता है, एंटीजन बी क्या होता है, लेकिन अभी जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो आप लीजिए यहाँ पे। फिर ये जो है देखिए जीनोटाइप, फिनोटाइप, फ्रीक्वेंसी इन द एबीओ ब्लड टाइपिंग सिस्टम, तो जीनोटाइप बताया, फिर ब्लड टाइप, फिर एंटीजन ए प्रेजेंट, बी एंटीजन प्रेजेंट, फिर फ्रीक्वेंसी, है ना, यूएस की बात हो रही है, यूएस की जो पॉपुलेशन है उसमें देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले उनके परसेंटेज कितने हैं, बी वाले कितने हैं यूएस में, ठीक है, फिर ए बी वाले कितने हैं, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो कितना है यूएस में वो आपको बताया है परसेंटेज पॉपुलेशन में। इस तरह से प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है ब्लड ग्रुप का, और देखिए उसमें उसका जो सॉल्यूशन है तो उसके बारे में भी यहाँ पे जो है बात करी गई है ना। फिर यहाँ पे भी आप देखिए ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ब्लड ग्रुप का जो की फैक्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप और उसके लिए जो जीनोटाइप, और फिर यहाँ पे आपको फिनोटाइप जो है वो आपको बता दिया है ना। अब ये देखिए ये जो फिगर है इसमें आप देखें, ये वाली जो फिगर है तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, फिर यहाँ पे आपको बी ग्रुप, ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे ए और बी जो है उनका पेरेंटल जीनोटाइप जो है वो आपको बता दिया, ठीक है, और फिर जो स्पर्म और ओवम जो है ये मान लीजिए ये जो है ये मेल है ना, नर है, पुरुष जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, और जो फीमेल है मादा है या तो स्त्री है वुमन है, तो उनका जो ब्लड ग्रुप है मान लीजिए बी है, तो फिर यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा ये वाला जो व्यक्ति है ये हिटरोजाइगस से आप देख सकते हैं, तो उसके जो स्पर्म है उसमें उसके स्पर्म किस प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के जो स्पर्म है वो स्पर्म में कौन से एलील, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ओवम है तो ओवम में आप देखिए कौन से एलील है, तो सेक्स सेल जो है वो आपको बता दिए, ठीक है। अब जो बच्चे हैं जीनोटाइप ऑफ चिल्ड्रन, तो ये जो कपल है, ये जो कपल है ए और बी वाला, और अगर दोनों जो हैं फादर और मदर दोनों हिटरोजाइगस हैं, इस परिस्थिति में उनके जो बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है ना, तो कौन सा जो स्पर्म है कौन से ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिए बच्चों का जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे लिखा है, और जो फिनोटाइप है फिनोटाइप में आप देखिए तो ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा आता है। अब ये देखिए जेनेटिक क्रॉस जो है
ये जेनेटिक क्रॉस के बारे में यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो हमने फिगर जो देखा, इनमें इन दिस क्रॉस ईच चाइल्ड हैज 25% चांस ऑफ हैविंग एनी ऑफ द फोर मेन ब्लड ग्रुप। 25% जो चांस होता है ना, ए और बी दोनों पेरेंट, अगर ए और बी दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं तो उनके जो बच्चे हैं, मान लीजिए ये जो कपल है, चार बच्चे इनके होते हैं, तो फिर उनके चार बच्चों में कोई सा भी ब्लड ग्रुप आए चार में से, उसकी जो संभावना है ना, वो कितना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 25% होती है, 25%। चले अब यहाँ पे भी जो है, तो देखिए अ सिंगल जीन जो है, सिंगल जीन हैव मल्टीपल एलील, ठीक है, तो इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप, इस तरह से भी यहाँ पे भी आप जो इंफॉर्मेशन है, थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है यहाँ पे आपको एंटीजन के बारे में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन एकदम ब्रीफली दी है, बहुत ही मीन्स आप शुरुआती लेवल का है ये सब डिस्कशन। जो आगे मैंने बात करी वही है यहाँ पे भी। इस तरह से भी आप इसको समझ पाओगे अगर चाहें तो। अब देखिए ये जो टेबल है, ये भी आप अच्छे से देखिए, इसमें तो इस टेबल में भी आपको ब्लड टाइप, जीनोटाइप है ना, आरबीसी, ये सारी जो बातें हैं ये आपको बता दी हैं। तो से आप देख सकते हैं पूरा। ये जो टेबल है इसमें भी आपको, ये जो टेबल है इसमें भी आप देखिए, ए बी ओ ब्लड टाइप विथ इम्यूनिटी रिएक्शंस, तो इस टेबल से भी आपको ब्लड ग्रुप, फिर एंटीबॉडी कौन सा है सीरम में, जीनोटाइप है ना, ये सारी जो बातें हैं यहाँ से आपको पता चलेंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सब अलग अलग बुक में से हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया, अगर फिर भी कोई बात जो है, ये अभी जो है ये काफ़ी प्राइमरी जो है इंफॉर्मेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, और इन सभी बातों को हमको बहुत ही आगे जाके हम डिटेल में इन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे भी आप देखें तो मल्टीपल एलील के बारे में आपको समझाया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें,
यहाँ पे आप देखिए एलील वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो है ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला जो टॉपिक है जो मैं हम बात कर रहे थे, ये वाला जो टॉपिक है मल्टीपल एलील का जो टॉपिक है, इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है मल्टीपल एलील का वो आपको बताया है, ठीक है। ये आपको जीन की बताई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉसिबल जीनोटाइप फिनोटाइप, तो अब देखिए ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसी के कंटिन्यूशन में जो एंड्रॉयड ऐप पे जो लेक्चर आने वाले हैं उसका, और उन लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ द जेनेटिक कोर्स, और ये जो है एंड्रॉयड ऐप जो है उसका नाम है मनीष जयकोष्टी, ये एंड्रॉयड ऐप का नाम है। अब देखिए ये जो है डिटरमाइनिंग एबीओ ब्लड टाइप, ठीक है, इसके बारे में, फिर एंटी सीरा जो है, फिर क्लम्पिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर डोनर रिसिपिएंट कॉम्पेबिलिटी फॉर द एबीओ ब्लड टाइप उसके बारे में बात करेंगे, फिर अब देखिए उसके बाद ये जो है टॉपिक द मोलिकुलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस ऑफ एबीओ एलील, एच जीन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोडक्शन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन इनके बारे में, फिर उसके बाद प्राइमेट का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, फिर ए और बी एंटीजन जो है इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एच सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर ये FUT1 एलील जो है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जो बॉम्बे फिनोटाइप है इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स जो है उसमें बात करेंगे। दूसरी एक बात, ये जो लेक्चर लिया और ये सारे जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनके लिए ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए यूट्यूब पे मैंने आज का जो लेक्चर लिया और ये जो लेक्चर ऐप पे आने वाले हैं, इन लेक्चर्स में मैंने जो रेफरेंस बुक मैंने इस्तेमाल करी है तो वो जो रेफरेंस बुक के जो नाम है, तो जितने भी ऐप के जो मेंबर हैं, ठीक है, उन सभी जो मेंबर्स को मैं व्हाट्सअप जो है वो कर दूंगा, तो आप लोगों को क्या है कि बुक का नाम पता चल जाएगा, तो आप जो है कहीं से आपको बुक आपको खरीदना हो बाय करना हो तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।